हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक बार फिर से हमारे अपना यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों, ये अहूजा का 1000 वाट एम्पलीफायर है और आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को आज हम बताने वाले हैं कि इस एम्पलीफायर को जो प्रॉब्लम है वो अपने थंबनेल्स में आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। और इसका प्रॉब्लम है जो दोस्तों, बज बज तो रहा है लेकिन इसका ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है। तो इसका और दोस्तों ओवर हीटिंग होने के वजह से ये एम्पलीफायर ज़्यादा देरी तक चल नहीं पाएगा और ये नॉर्मल फॉल्ट नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा समस्या है इस एम्पलीफायर में जो बहुत सारे लोगों को मालूम हो सकता है और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं भी हो सकता है। और इसे हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, और मैंने थोड़ा सा भी लोड भी नहीं दे करके रखा हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका एम्पलीफायर का मॉडल दिखा दे रहा हूँ, BTZ 10000, यानी कि 1000 वाट का अहूजा एम्पलीफायर है और ये डबल चैनल है दोस्तों। और इसका पहला चैनल जो है दोस्तों, ये बिल्कुल हीट हो रहा है इस तरफ, आप देख सकते हैं। मैं छू नहीं पा रहा हूँ और इसमें साउंड भी नहीं चल पा रहा है, और बजता तो है लेकिन अभी मैं इसमें स्पीकर भी नहीं डाल के रखा हूँ। फिर भी ये नॉर्मल रहना चाहिए, जो कि आप चैनल बी में देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल कूलिंग है और इधर जो है छूने से पूरा हीट हो रहा है दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, और यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि आपके सामने मेरा एम्पलीफायर ऑन है और इसका जो हीटिंग प्रॉब्लम है कहाँ से है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात को समझिए कि ये एम्पलीफायर जो है गर्म क्यों होता है। एम्पलीफायर तभी गर्म होगा जब अपना वॉइसिंग वोल्टेज का प्रॉब्लम आएगा। वॉइसिंग वोल्टेज यदि बढ़ जाएगा तो एम्पलीफायर बिना मतलब का हीट होना शुरू हो जाएगा, और वॉइसिंग वोल्टेज मिलता कहाँ पर है? वॉइसिंग वोल्टेज मिलता है 5200 ट्रांजिस्टर के बेस पर, यानी कि पहले नंबर का जो पिन होता है उस पर। ये देख सकते हैं, ये 5200 ट्रांजिस्टर है और ये पहले वाली जो पिन है वो बेस है और ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। तो एम्पलीफायर में जितने ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 5200, बहुत सारे लोग इसको मॉस्फेट भी बोलते हैं, तो उसका पहले वाले पिन के जो वोल्टेज होगा 0.5 या 0.4, इतना ही वोल्टेज रहेगा तो नॉर्मल एम्पलीफायर स्मूथली चलेगा, और इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आना शुरू होगा। प्रॉब्लम मतलब ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी हम वोल्टेज हम चेक करेंगे। हम बात कर रहे थे पहले वाली पिन पर, हर एक ट्रांजिस्टर की पहले वाली पिन पे हमें वोल्टेज चेक करना चाहिए। देखिए, चैनल बी का जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये चैनल बी में समस्या अपना नहीं है। चैनल ए में हम देखते हैं क्या स्थिति है। चैनल ए का जो स्थिति है दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज हम यदि चेक करते हैं पहले वाले पिन पे तो बिल्कुल 0-0 दिखा रहा है। तो 0-0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 0-0 नहीं था, इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब 0.5 से भी ज़्यादा आ रहा है।
तो अब ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम 100% आएगा आपका ड्राइवर बोर्ड से, हिट होने वाला जो समस्या रहेगा वो 100% आपका ड्राइवर बोर्ड से रहेगा। और मैंने ये प्रीसेट को मैंने निकाल करके रखा है, जो इसका नंबर भी आपको हम बता दे रहा हूँ कितना है। दोस्तों ये प्रीसेट जो आप देख रहे हैं इसका नंबर, आप इसका वैल्यू 100 ओम से है। आप इसको निकाल करके आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ रहेगा 100 ओम्स। किसी किसी एम्पलीफायर में 200 ओम्स भी रहेगा और किसी किसी एम्पलीफायर में 470 ओम्स का भी प्रीसेट लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों जिसका जिसमें जितना वैल्यू का रहेगा उतना ही लगाना है। और अभी जो मैंने इसको फिर से मैंने वापस लगा दिया है और हम बेस का एक बार फिर से हम वोल्टेज दिखाता हूँ चेक करके इसका क्या स्थिति है। आप ये देख सकते हैं इसका वोल्टेज 0.7676 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है, जो कि ये गलत है दोस्तों। और इसी के वजह से पूरा एम्पलीफायर हीट होगा। और ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रीसेट को लगाया है तो मेरा एम्पलीफायर भी हीट होना शुरू हो गया है और वोल्टेज जो है बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इसमें। तो करना क्या है दोस्तों, इसका हम बाइसिंग वोल्टेज को हम मिलाएंगे या तो फिर ये प्रीसेट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दोस्तों परफेक्ट वोल्टेज होना जरूरी है तभी हमारा एम्पलीफायर स्मूथली चलेगा। आप देख सकते हैं इधर वापस गर्म होना शुरू हो चुका है और इधर बिल्कुल कूलिंग है। तो चलिए हम सबसे पहले इस प्रीसेट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ओम्स का प्रीसेट को हम ढूंढने का अभी प्रयास करेंगे। मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे प्रीसेट पड़ा हुआ है, ये 200 ओम्स का है, 470 ओम्स का है और ये सब मार्केट में दोस्तों आसानी से अवेलेबल है। ये रहा 100 ओम्स का, हमें मिल चुका है तो हमें इसको लगाना है। मैं आपको दिखाने की, ये देख सकते हैं ये 100 ओम्स का है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने ये प्रीसेट को, मैंने जैसे पुराना वाला प्रीसेट को मैंने निकाल करके मैंने नया वाला इसको मैंने लगा दिया है। अब हम आपके सामने हम लाइव फिर से बार वोल्टेज हम चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो प्रॉब्लम हो रहा है उस चैनल में हम वोल्टेज चेक करेंगे। सारे के जगह पे टोटली वॉइसिंग वोल्टेज परफेक्ट आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ 0.4 जी, बिल्कुल अभी परफेक्ट तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ भी मैंने चेक किया, उसके बाद हर एक ट्रांजिस्टर के बेस पे आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा और इधर चैनल बी में भी वो देखने को मिल जाएगा बेस पे 0.45। तो ये बिल्कुल ओके है दोस्तों, आपका एम्पलीफायर जो हीट होने का पूरा प्रोसेस यही है। आपका ड्राइव वोल्ट यदि सही वर्क करेगा तो आपका एम्पलीफायर स्मूथली चलेगा। तो ये था प्रभु, ये था आज का वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग इंतज़ार करें, धन्यवाद।